एक तरफ बिहार सरकार पटना में सफाई कर्मियों की मांग को सरकार ने मान लिया है तो वहीं दूसरी तरफ सिवान में सफाई कर्मी अभी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे शहर में कचरा फैला हुआ है। शहर में कचरों का अंबार लगने से लोगों को अब बीमारियों के फैलने का भी डर सता रहा है। आज सिवान में कचरे को उठवाने के लिए नगर परिषद ने एनजीओ की सहायता लेनी चाहिए, तब हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों ने जमकर हंगामा किया। सफाई कर्मियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही शहर में सीएम नीतीश की अर्थी निकाली और शहर के जेपी चौक नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। आज हम लोग 10 रोज से विरोध पर है। सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसी के इसमें जितने हमारे नगर परिषद के स्टाफ है 258 आदमी का संविदा रद्द कर दिया गया है। 10 रोज हो गया है और हम लोग रोड पर है, भूखमरी के कगार पे है। अब हम लोग यहाँ भूख हड़ताल करने वाले, अनशन करने वाले हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं सर, जब तक चल रहा है हम लोग चल रहे हैं सर, नाराबाजी कर। अभी हम लोग जेपी बहुत जगहों पे तो हड़ताल तोड़ दी है, कहीं नहीं टूटा है सर, सिर्फ एक नगर निगम पटना सिर्फ वहीं पे टूटा है। लेकिन वो फिर हम लोग को जो न्यूज मिली है सर, आज से वो भी हड़ताल पे चले गए हैं। हम भी लोग क्या मांगे हैं आप लोग? मांगे ये है कि जितना हमारे संविदा कर्मी है उनको नगर परिषद के माध्यम से काम लिया जाए, हम लोग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम नहीं करना है, और अस्थाई किया जाए हम लोग का, और हम बहाल किया जाए जो भी 10 साल 12 साल से जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अपनी पूरी जवानी नगर परिषद को दे चुके हैं और बुढ़ापा में दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया गया है। आज के डेट में वो कहाँ जाएंगे सर? वो तो रोड पे है, उनका परिवार भुखमरी के कगार पे है सर। हम लोग नाराबाजी करते हुए जेपी चौक पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला दहन करेंगे। मुख्यमंत्री।